बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माहनूर खान हेल्पिंग यू टू लर्न फर्दर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक बड़ी छोटी सी और मासूम सी टिप बताऊंगी, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी, हाउ टू कन्वर्ट PDF फाइल इनटू वर्ड। अक्सर हमारे टीचर्स या हमारे क्लास फेलोज हमें PDF में असाइनमेंट शेयर कर देते हैं और हमें कहते हैं कि जी ये टाइप कर लो, और टाइप करने का टाइम अब किसके पास है। तो ये बड़ी छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी वेबसाइट है, ध्यान से देखिएगा और फिर मैं आपको एक और टिप भी दूंगी इसके बाद। सबसे पहले हमने अपने क्रोम पे आना है और हमने यहाँ पर लिखना है PDF टू वर्ड कन्वर्टर। ठीक है जी, ये हमारी लोड हो गई फाइल। ठीक है जी, ये स्मॉल PDF वाली देख लें जी, smallpdf.com, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये हमारे पास आ गई, चूज फाइल। अब कोई भी हमारे पास फाइल है, आप गॉट इट, कोई भी हमारे पास है, मैं देख लेती हूँ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ लाजमी PDF है पड़ा हुआ होगा। सी देर आर सो मेनी PDF फाइल्स जो कि मैं चाहूँ तो वर्ड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब ये थोड़ी सी बड़ी फाइल थी तो शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 200 समथिंग कुछ पेजेस थे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। और फिर ये एडिटेबल भी है, कि ये नहीं है कि हमने इसको सिर्फ एडिट करके छोड़ देना है। अगर हम इसमें कोई नेम वगैरह चेंज करना चाहें, फॉन्ट चेंज करना चाहें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बस इसको कन्वर्ट होने दें, थोड़ी सी बड़ी फाइल है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस ये होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से हम बस कार करने वाला काम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ये सेव भी कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और टिप बताऊँगी जिससे आप प्लैगरिज्म से बच सकते हैं। अक्सर होता है कि अगर आप ऑनलाइन अपनी कोई सबमिशन करो तो आपके क्लास फेलोज या टीचर्स को पता चल जाता है कि आपने कहीं से कॉपी की है या किसी वेबसाइट से या विकिपीडिया से, तो उससे भी सेफ होने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। इसी के साथ साथ ये देखें जी, हमारे ये PDF एडिटेबल वर्ड नाउ हमारा हो चुका है। इसको हम ज़रा कर लेते हैं डाउनलोड। ये हमारा यहाँ डाउनलोड हो रहा है, हमें इसका फ्री ट्रायल नहीं चाहिए क्योंकि जब मुझे चाहिए होता है मैं डायरेक्टली वेबसाइट खोलती हूँ और मेरा काम हो जाता है। ये हो जाए डाउनलोड तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या सीन है, क्या करना है इसका, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट उसकी तरफ लेके चलूँगी जिससे आप प्लैगरिज्म से बच सकते हो और आपका काम बिल्कुल डिफरेंटली स्टैंड आउट करेगा, आपके GPA पे, आपके ग्रेड्स पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो लेट्स ओपन इट। मैंने बड़े अरसे से ये देखें जी, ये मेरे पास मेरे जो हैंड आउट्स थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब ये एडिटेबल फॉर्म में है, मैं इसको एनेबल एडिट अगर कर दूं तो मैं अब इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए जी, मैंने इसको बड़ा कर दिया साइज़ में, मैं इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, मैं इसकी पोजीशन तक चेंज कर सकती हूँ। ये अब मेरी प्रॉपर फाइल है जो मैंने खुद वर्ड में लिखी होती है उस तरीके से। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपको जो दूसरी वेबसाइट का मैं आपको बता रही थी वो भी हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही रिलेटेड है, हमारे स्टूडेंट्स के काम में आएगी। एक तो हमारी ये वेबसाइट हो गई PDF टू वर्ड कन्वर्टर, सेकंड हमारी जो है वो हमारी वेबसाइट है QuillBot। ठीक है जी, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ आना है, इसको कोई भी मतलब कोई भी टेक्स्ट आपके पास हो आपने उसको सिंपली कॉपी करना है। आफ्टर डैट आपने उसको इधर वेबसाइट पे आके जब आप पेस्ट करेंगे तो वो एक न्यू फॉन्ट के तौर पे, ये पैराफ्रेस आप करें तो सी ये वाली जो हमारा सेंटेंस था, द सेंस ऑफ टच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्यूटेनियस सेंस, ये देखें जी लाइन कितनी हद तक चेंज हो चुकी है। द क्यूटेनियस सेंस आर इन द नेम ऑफ फॉर द सेंसेशन ऑफ टच, बात वही है लेकिन एक प्रोफेशनल लुक आ गई है उस बात पर। ये आप वेबसाइट देख लें, QuillBot नाम है, ये फ्री ऑफ मतलब कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए, ये फ्री है। आप 120 वर्ड्स एक टाइम पे कर सकते हो और 120 वर्ड से ज़्यादा करने के लिए यू नीड देयर सब्सक्रिप्शन, मतलब जो उनका प्रीमियम पैकेज है, लेकिन मैं अपना काम इसी से ही चला लेती हूँ। यहाँ पे फिर भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस वर्ड को किसी और चीज़ से अगर कन्वर्ट करना चाहो, बट आई लिटरली गो विद व्हाट द वेबसाइट ऑलरेडी गेव, जो उसने पहली दफ़ा दिया ना वही सबसे अच्छा दिया होता है। तो दीज आर टू वेबसाइट्स जो आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आपकी एक तो PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर लिया कि आप उसमें अपना नेम एडिट कर सकते हो, अपनी स्टूडेंट आईडी ऐड कर सकते हो, और फिर सेकेंडली उसी एडिटेबल में से आप कॉपी करके
क्वेल बोल्ट पे लाके अगर उसको रीफ्रेस करते हो, पैराफ्रेस करते हो, तो आपके पास एक बिल्कुल ब्रांड न्यू असाइनमेंट आ गई है विद इन 2 स्टेप्स। तो लेट मी नो अगर ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।